24 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली ऑफिशियल लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली ऑफिशियल लिस्ट में राजस्थान की 15 लोकसभा सीटों पर टिकट दिया गया है, जिनमें अगर सबसे पहले बात करें बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से बीजेपी ने अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिया है। उसके बाद अगर बात करें चूरू लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है। इसके बाद अगर बात करें सीकर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से बीजेपी ने स्वामी सुमेदानंद सरस्वती को टिकट दिया है। इसके बाद अगर बात करें अलवर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को टिकट दिया है। इसके बाद अगर बात करें भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से बीजेपी ने रामस्वरूप कोहली को टिकट दिया है। इसके बाद अगर बात करें नागौर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से बीजेपी ने ज्योति मृधा को टिकट दिया है। इसके बाद अगर बात करें पाली लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से बीजेपी ने पीपी चौधरी को टिकट दिया है। इसके बाद अगर बात करें जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दिया है। इसके बाद अगर बात करें बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से बीजेपी ने कैलाश चौधरी को टिकट दिया है। इसके बाद अगर बात करें जालोर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से बीजेपी ने रूपाराम चौधरी को टिकट दिया है। इसके बाद अगर बात करें उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से बीजेपी ने मन्नालाल रावत को टिकट दिया है। इसके बाद अगर बात करें बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से बीजेपी ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दिया है। इसके बाद अगर बात करें चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से बीजेपी ने सीपी जोशी को टिकट दिया है। इसके बाद अगर बात करें कोटा लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से बीजेपी ने ओम बिरला को टिकट दिया है। इसके बाद अगर बात करें झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से बीजेपी ने दुष्यंत सिंह को टिकट दिया है।